जैकेट चैम्बर प्रेशर होता है पहले, फिर चैम्बर प्रेशर होता है जिस तरीके से इसकी बनावट है। ये हम पहले अपने हाई प्रेशर में पानी घेरेंगे। पानी घेरने के बाद जो वाटर लेवल चेक करेंगे, हमें ध्यान में रखना है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ से पानी डलेगा, आप देख रहे हैं कीप में इसका पैनल बोर्ड है और जिसका वाल है जो हमारे प्रेशर ट्रांसफर करेगा, ये आप देख सकते हो। ये हमारा देखें वाटर लेवल दिखा रहा है, पानी शुरू हो गया। लेवल पे पहुंचने के बाद हमें पानी नहीं गिरना है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ये देखें हमारा लेवल हो गया पूरा, ये हमारा लेवल पूरा हो गया, देख सकते हैं। हमने पानी गिरना बंद कर दिया, उसका वाल ऑफ कर देंगे। ये इसका वाल अब ऑन इधर होता है, ऑफ इधर होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये स्टीम का है, इसे भी ऑफ कर देंगे और ये भी ऑफ रहता है ये नीचे का। तो ये वाटर लेवल चेक करके हमें पावर ऑन करनी है एमसीवी, उसके बाद हमारा एमसीवी ऑन हो गई पावर। अब हमें स्विच ऑन करना है, ऑन ऑफ स्विच है ये हमारा। अब हमारा पैनल ऑन हो गया है और जो ये मीटर हमारा ऑटोमेटिक ही इसे ऑन करेगा हीटर को, ठीक है जी। हीटर हमारा ऑन कर दिया इसने, ये टेम्परेचर 25 दिखा रहा है, 121 तक ले जाएगा। ये स्टीम प्रेशर है यहाँ पे दिखाएगा, जैकेट प्रेशर है, ये जैकेट में प्रेशर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा दिखाएगा। और जो इसका वाल है अभी जैकेट प्रेशर पे है, ये जैकेट में स्टॉक होता रहेगा और उसके बाद हमें जैकेट से चैम्बर पे करना है, ठीक है जी। तो हम इसे चालू कर दिए, उसे चालू होने के बाद ये देखें ये बढ़ने लगा है, कुछ टाइम बाद बढ़ने लगता है। और ये देखें यहाँ भी कुछ बढ़ने लगा है कुछ टाइम बाद। तो इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा, जब हमारा 20 प्रेशर हो जाएगा। ये प्रेशर देखो चल रहा है, शुरू हो गया प्रेशर बनना हमारा, कि कुछ टाइम लगता है तो इसलिए हम कुछ कुछ टाइम में, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से टाइम में लगाया है। ये हमारी चैम्बर वाली सुई वहीं पे रहेगी, वो कहीं नहीं बढ़ेगी, जैकेट वाली साथ में चलेगी जब प्रेशर उसमें जैकेट में स्टोर होता रहेगा। ये देखिए पानी भी हीट हो रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ से प्रेशर दिखाएगा बॉयलर में, टैंक भी कह सकते हो आप, वाटर टैंक, और हमारे जैकेट में भी स्टोर होता जा रहा है। ये चैम्बर की घड़ी दूसरी वाली, इसमें चैम्बर में अभी नहीं आएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। ये देखिए आप 15 प्रेशर हो गया है, सेंसर टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा है और इसमें भी देख सकते हैं आप जैकेट प्रेशर में, ये भी 15 हो गया है। और ये हमारा 20 हो गया है, 20 पे हमारा प्रेशर स्ट्रेट कट मार देगा ऑटोमेटिक ही, उसके बाद हमें रिलीज करना है जैकेट से चैम्बर में, रिलीज करना है। उससे पहले हम अपना इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं इसमें, इस तरीके से खुलेगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से। इसे खोलने के बाद ये देखिए इसमें कोई स्टीम नहीं है, पर उससे ऊपर जैकेट होता है, उसमें जैकेट में स्टीम है। अब इसमें सामान रख दिया हमने, अब इसको हम आपको बताने के लिए डेमो दे रहे हैं एक तरह से। इसको डोर बंद कर देते हैं, डेमो देखो किस तरह से गेट बंद होएगा। इस तरीके से गेट बंद करके हमने सामान रखने के बाद आपको स्टीम रिलीज करनी है। तो अब ये देखें चैम्बर में हमारी चैम्बर वाली सुई भी खड़ी होने लगी है, ये देखें 15 पे आ गई दोनों। अभी थोड़ा सा प्रेशर बनाएगी तो 20 पे आ जाएगी और हमारा ये मीटर में भी डिजिटल सेंसर भी काम करेगा चैम्बर में आने के बाद, और 121 पे कट मारेगा। तो ये देखें अब ये 20 पे आ गया हमारा टेम्परेचर, और ये हमारा ये भी बढ़ रहा है, ये भी देख सकते हैं आप, ये 20 पे रहेगा। अब इसके बाद हमें इसमें मॉइस्चर हो जाता है, जो ठंडी हवा होती है वो हो जाती है, तो पीस जब ठंडा होता है तो ठंडे में शुरू में हमें मॉइस्चर निकालना पड़ता है। तो पीछे बाल लगा हुआ है, ये बाल है मॉइस्चर निकालने के लिए, ये जैकेट चैम्बर के मॉइस्चर निकाल देगा।
जो भी इसमें मॉइस्चर होगा इसे हमें थोड़ा सा निकाल देनी है, कुछ इस तरीके से छोड़ सकते हो थोड़ी देर। तो हम ये दिखाएंगे आपको, वो बढ़ने लगा है हमारा टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ने लगा है। जब चैम्बर में स्टीम हीट हो जाएगी 121 डिग्री पर जाएगी तो ये हमारा डिजिटल मीटर शो करेगा, हमारा सेंसर बताएगा इसे। तो ये देखें ये बढ़ता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है मॉइस्चर निकालने पे ये बढ़ता है, ठीक है जी। तो ये देखें 113 हो चुका है टेम्परेचर। अब ये हमारा 121 हो चुका है, अब ये ऑटो ऑफ हो गया है, ये देखिए हीटर हमारे बंद हो चुके हैं। अब ये 30 मिनट तक हमारा इसी तरीके से चलेगा, ये ऑन ऑफ होता रहेगा। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेबलाइजेशन होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। अब ये जब 30 मिनट के बाद ये कंप्लीट दिखाएगा और एंड कर देगा, एंड करने के बाद हमारा रिसाइकल कंप्लीट और हमारा इंस्ट्रूमेंट हीटर जो है हमारे बंद हो चुके हैं। अब प्रेशर हमारा 20 रहेगा और जब हम रिलीज करेंगे उसके बाद ये कम होगा। अब हमें इसमें से सामान निकालना है, हमारा इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं, तो हम इसे वाल घुमाएंगे। ये हमारा एक वाल हो जाएगा चैम्बर का, चैम्बर की जो घड़ी है वो कम हो जाएगी, जीरो पर आ जाएगी, उसके बाद हमें डोर ओपन करना है। अब ये देखें जैकेट में प्रेशर हमारा 20 ही है पर हमारा चैम्बर का ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। अब ये हमने डोर खोला, देखिए इसमें कोई वो नहीं है। अब हमने अपना सामान निकाल लिया, इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया, उसके बाद दोबारा सामान दूसरा सामान स्टेलाइज करने के लिए रख सकते हैं या हम इसे बंद कर सकते हैं। तो हम सामान नहीं रख रहे तो हम इसे अब रिलीज करेंगे। आप जो रखना चाहते हो तो इसे बीच में कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, और जो नहीं करना तो पूरा कम्प्लीट ही स्टीम निकल जाएगी इसकी, ठीक है ना। ये देखिए ये भी खाली होएगी, ऊपर की दोनों घड़ी जीरो पर आ जाएगी। ये देखिए जैकेट चैम्बर ऑन, ये रिलीज हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। ये देखें पीछे रिलीज हो रही है, ऊपर से हो रही है, ये सारी हो जाएगी। आप चाहे तो नीचे का वाल भी खोल सकते हैं, ये नीचे वाला वाल है, इसे भी खोल सकते हैं, ये जल्दी पूरी निकाल देगा स्टीम, और ये आपको ज़रूर खोलना है, ठीक है जी, इससे दिक्कत नहीं आएगी। कई बार होता है ज़्यादा टाइम मतलब रखा रहता है तो उसमें जो स्टीम होती है उसकी पानी बन जाता है और हमारे इंस्ट्रूमेंट गीले हो जाते हैं, ठीक है जी। वीडियो देखने धन्यवाद।